दोस्तों, आप कैसे हो? हम आए हैं महादेव की प्यारी नगरी उज्जैन। उज्जैन में हम सबसे पहले देखेंगे कृष्ण भगवान का स्कूल, यानी कि महर्षि सांदीपनि आश्रम, जहां भगवान कृष्ण ने अपने भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ विद्या सीखी थी। महाकालेश्वर मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है महर्षि सांदीपनि आश्रम। महर्षि सांदीपनि एक महान तपस्वी और अथरा कलाओं में पारंगत विद्वान ब्राह्मण पुत्र थे। अपने मृत पुत्रों के वियोग में काशी छोड़कर जब वे उज्जैन आए, तब वहां सूखा और अकाल पड़ा हुआ था। उज्जैन के निवासियों ने महर्षि के दर्शन कर उन्हें दुख दूर करने की विनती की। महर्षि सांदीपनि ने चंदन वन स्थित एक निर्जन स्थान पर कुछ बिल्व पत्र का पूजन किया एवं तपस्या की। महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर उस बिल्व पत्र में से पार्वती माँ के साथ महादेव ने प्रकट होकर वरदान दिया कि उज्जैन नगरी में जब तक महाकाल का मंदिर रहेगा, तब तक यहाँ कभी सूखा और अकाल नहीं पड़ेगा। महादेव की आज्ञा से महर्षि सांदीपनि वहीं रह गए और फिर आश्रम की स्थापना की। ये जो कुंडेश्वर महादेव मंदिर है, ये श्री कृष्ण का विद्यास्थल माना जाता है। श्री कृष्ण जी जब उज्जैन विद्या हासिल करने आए थे, तब महादेव जी उन्हें मिलने यहाँ पधारे थे। तब गुरु के सम्मान में नंदी जी यहाँ खड़े हो गए थे और इसलिए यहाँ नंदी की प्रतिमा आपको खड़ी अवस्था में देखने को मिलती है। ये विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां नंदी जी आपको खड़ी अवस्था में देखने को मिलेंगे। यहां हरि से हर का मिलन हुआ था। मामा कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण महाकाल की उज्जैन नगरी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। श्री कृष्ण ने मात्र 11 वर्ष 7 दिन की उम्र में 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम और परम मित्र सुदामा के साथ यह शिक्षा 126 दिनों में ही प्राप्त कर ली थी। शिव से मिले वरदान के अनुसार महर्षि सांदीपनि को गुरु दक्षिणा के रूप में श्री कृष्ण ने उनके मृत पुत्र को जीवनदान दिया था। सर्वेश्वर महादेव का यह मंदिर महर्षि सांदीपनि का तपस्थल माना जाता है। महर्षि सांदीपनि ने बिल्व पत्र के माध्यम से यह शिवलिंग उत्पन्न किया था, जो विश्व का एकमात्र शिवलिंग है जो बिल्व पत्र से उत्पन्न हुआ था। श्री सर्वेश्वर महादेव का यह शिवलिंग 6000 वर्ष प्राचीन है। शिवलिंग की जलधारी में शेषनाग के दर्शन होते हैं, जो भारतवर्ष में दुर्लभ है। महर्षि सांदीपनि स्नान के लिए गोमती नदी तक चलकर जाते थे। अपने गुरु की यह तकलीफ दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने यहाँ तीर चलाकर जलाशय बनाया था। इस तीर का वेग इतना प्रचंड था कि ये पाताल लोक तक पहुंच गया था। श्री कृष्ण ने जहां बाण मारा था, वहां एक बहुत बड़ा गद्दा बन गया। नीचे जाकर उसने गाय के मुख का रूप ले लिया और उसके मुंह से जल की धारा प्रवाहित होने लगी। देखते ही देखते वहां एक बड़ा जलाशय बन गया, जिसे गोमती कुंड कहते हैं। Is
ब्रज चौरासी कोश बोले श्री कृष्ण शरणम नमः, कुंड कुंडली सीढ़ियों बोले श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः। कमल कमल पर मधुकर बोले श्री कृष्ण शरणम नमः, डाल डाल पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणम नमः, वृंदावन वृक्षों बोले श्री कृष्ण शरणम नमः, गोकुल्यानी गायों बोले श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः।
कृष्ण वियोगे आतुर बोले श्री कृष्ण शरणम नमः। वल्लवी वैष्णव सर्वे बोले श्री कृष्ण शरणम नमः। 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 अष्ट प्रहर आनंदे बोले श्री कृष्ण शरणम नमः। रोम रोम प्यार